मतगणना चल रही है और पल पल की जो अपडेट्स हैं उस पर हम नजर बनाए हुए हैं, कौन कहां से जीत रहा है, कौन कहां से हार रहा है और कहां पर क्या समीकरण बन रहे हैं। बिल्कुल, किसका हो रहा है विजय तिलक और कौन यहां पर निराशा हाथ लग रही है, ये तमाम चीजें हम आपको बता रहे हैं। 27 सीटों पर मतगणना जारी और इसमें सुल्तानपुर से बड़ी खबर, भाजपा प्रत्याशी ने बड़ी जीत दर्ज की है। भाजपा प्रत्याशी शैलेंद्र प्रताप यहां पर जीते हैं, 1362 वोट से जीते हैं भाजपा प्रत्याशी। बिल्कुल, और गायत्री प्रजापति की बहू शिल्पा को हराया है, तो भाजपा प्रत्याशी शैलेंद्र 1362 वोट से जीत गए हैं। सुल्तानपुर में भाजपा प्रत्याशी की बड़ी जीत हुई है और भाजपा प्रत्याशी शैलेंद्र प्रताप सिंह ने जीत दर्ज कर ली है। प्रांशु दत्त द्विवेदी इस समय विजयी घोषित हुए हैं, 3500 वोटों से वो जीते हैं और ऐसे में ये बड़ी कहा जाए बीजेपी के लिए उपलब्धि है। क्या कहना चाहेंगे प्रांशु जी, बड़ी बड़ी जीत दर्ज की है, करीब 3500 वोटों से जीत दर्ज की है। देखिए, मोदी जी योगी जी के नेतृत्व की जीत है, कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है और अब ये जो एक समय में इटावा फरुखाबाद कन्नौज ये समाजवादी पार्टी गढ़ कहा जाता था, अभी भारतीय जनता पार्टी गढ़ बन चुका है, इस जीत ने सिद्ध कर दिया है। आप लगातार सैफई में थे, वोटिंग वाले दिन ताल ठोक रहे थे, सीधे सीधे सैफई परिवार को चुनौती दे रहे थे। देखिए, मैं सैफई में इसलिए था, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे, एक समय समाजवादी पार्टी सैफई इलाके में कार्यकर्ताओं को वोट तक नहीं डालने देती थी, सब सारे के सारे बूथ कैप्चर करती थी, लेकिन मैं वहाँ इसलिए उपस्थित था, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं मनोबल बढ़ा रहे और सैफई और पूरे इटावा से भी हम लोग बम्पर वोटों से जीत के आ रहे हैं। जब आपसे बात की थी 9 तारीख को सैफई में मिले थे, तो रामगोपाल जी पूरा परिवार तो कह रहा है चीटिंग से जीत रहे हैं, इस पर आप क्या कहना? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी साफ हो चुकी है, विधानसभा चुनाव में साफ हुई, एमएलसी चुनाव में भी साफ हुई और जब वो साफ हो रही है तो अपनी खिसियाट निपटाने के लिए, उसको मिटाने के लिए तरह तरह के आरोप लगा रही है, लेकिन जनता का जनादेश भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हम विजयी हुए। अब आप विधायक हैं, उच्च सदन के विधायक हैं, इधर आप युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, दोहरी जिम्मेदारी समय आपको है, तो कैसे क्या रहेगा और कहा जाए जब आप एमएलसी बने हैं तो क्या प्राथमिकता रहेगी, सदन में क्या बातें रखेंगे, कैसे जनता की सेवा? देखिए, इस क्षेत्र का और तेजी से विकास हो, विधान परिषद में भी इस क्षेत्र की समस्याओं को अच्छी तरह रखने का काम, और नौजवानों को प्रतिनिधित्व है तो नौजवानों की भी से संबंधित बातों को भी सदन में रखने का काम, ये मेरी प्राथमिकता है। फरुखाबाद एक ऐसा है जो कहा जाए पड़ोसी जो जिले हैं उनसे उन्होंने चुनाव जीत लिया है और इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, यूपी के सियासी इतिहास से जुड़ी बड़ी खबर है, विधान परिषद चुनाव में भाजपा ने इतिहास रच दिया है, यूपी विधान परिषद में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला है और 36 में अब तक 29 सीटों पर भाजपा जीत गई है और सबसे बड़ी बात यह कि कुल 100 सीटों में से भाजपा के पास अब 64 सीटें हैं, पहले भाजपा के पास विधान परिषद में 35 सीटें थी, तो ये एक नया सियासी इतिहास 4 दशक के बाद उत्तर प्रदेश में गढ़ गया है। बिल्कुल, ये इतिहास रच दिया है भारतीय जनता पार्टी ने और अब विधान परिषद में भी बहुमत हासिल कर लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, इस वक्त की बड़ी खबर है। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनके पास हम चलेंगे। वीरेश, देखिए एक के बाद एक इतिहास रच रही है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, विधानसभा चुनाव दूसरी बार जीतने के बाद अब विधान परिषद में बहुमत हासिल कर लिया है। देखिए, मोदी और शाह की भारतीय जनता पार्टी, नड्डा, स्वतंत्र देव सिंह, योगी आदित्यनाथ, सुनील बंसल की भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा है। गोविंद शुक्ला को देखिए, गोविंद शुक्ला की मेहनत है और गोविंद शुक्ला प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं और बड़ी शिद्दत से काम करते हैं, बहुत पर्दे में नहीं रहते हैं, इन्हीं सभी की वजह से, और विधान परिषद के सदस्य भी हैं, ये एक और सदस्य हो गए इतिहास में, दो दो विधान परिषद के सदस्य पार्टी के जड़ में रहकर काम करते हैं। ये बताइए, आप लोग लगातार इतिहास रच रहे हैं, क्या बताएं? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, हमारा जो सोच है, जो विचार है, अंत्योदय की विचारधारा से काम करते हैं और निश्चित रूप से समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति का उत्थान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का लक्ष्य होता है। अभी उत्तर प्रदेश के जनप्रतिनिधियों द्वारा जनप्रतिनिधि का चुनाव जिसमें BDC प्रधानों के द्वारा होता है और उन्होंने एक अपना अमूल्य और बड़ा मत देकर के पूरे उत्तर प्रदेश में, अच्छा विधानसभा में आप लोग बहुमत में तो थे, हमने देखा कि जब विधानसभा से कोई प्रस्ताव पारित हो जाता था परिषद में बड़ी फजीहत होती थी, आप लोगों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, पंडित दिनेश शर्मा जी जो उप मुख्यमंत्री थे, सदन के नेता थे, बड़ा परेशान रहते थे, अब तो सारी परेशानी पास हो गई। विधानसभा में हमारा बहुमत है, विधान परिषद में भी जनहित जनकल्याणकारी नीतियाँ थी जिसके कारण हमारे सभी प्रस्ताव वहाँ भी पहले भी पास हुए हैं। हाँ, इतना जरूर था कि बहुमत कम होने के कारण कभी उनकी उपस्थिति नहीं होती थी,
और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की उपस्थिति के कारण हम बहुमत प्राप्त होता था। और जनकल्याण के लिए मैंने कहा कि जो प्रस्ताव होते थे उसमें विपक्ष को भी लगता था कि जनकल्याणकारी है, तो वो भी उसमें कहीं ना कहीं सहभागिता नहीं करते थे, लेकिन विपक्ष बाहर रह करके। चंद्र प्रधान जी, जो इतिहास रचा गया है इनकी वजह से भी एक पार्ट ये भी है, मतलब एक सदस्य तो बने तभी तो इतिहास रचा गया। जी देखिए, अभी जो कह रहे हैं ना कि विधान परिषद में हमारा बहुमत होना हो गया, और इससे हमारी जो और सब काम है बहुत आसान हो जाएंगे। जो कहो थोड़ी बहुत रुकावट आती थी वो रुकावट भी दूर होगी। अब जो काम हो रहे थे उससे भी अच्छे, अब और कोई अच्छा काम होना। ये बताइए, हर जगह कब्जा ही कर लेंगे तो विपक्ष क्या करेगा? कब्जा नहीं, ये जनता का आशीर्वाद है। मोदी जी, योगी जी और उत्तर प्रदेश की गरीब जनता, अगर मैं कहूं कि मोदी जी के जो 7 साल के लगभग ये काम हुए हैं, 8 साल हो रहा है, और उत्तर प्रदेश शासन और बुलडोजर का शासन चल रहा है। बिल्कुल, तो शासन चल रहा है। और जैसा कि वीरेश जी ये लोग कह रहे हैं कि ये जनता का आशीर्वाद है, कब्जा नहीं है, और अब बेहतर तरीके से काम होंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर है प्रतापगढ़ से। बड़ी खबर क्या है वो हम आपको बता देते हैं। जनसत्ता दल प्रत्याशी की जीत हुई है। राजा भैया की पार्टी है जनसत्ता दल के, अक्षय प्रताप सिंह चुनाव जीत गए हैं। राजा भैया ने इन्हें उम्मीदवार बनाया था और सपा प्रत्याशी को हराकर ये जीत जनसत्ता दल के प्रत्याशी ने जीती है। तो बड़ी खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर अक्षय प्रताप जीते हैं। प्रतापगढ़ में जनसत्ता दल प्रत्याशी की जीत हुई है। बिल्कुल, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ये प्रतापगढ़ वाली सीट को लगातार ये समझा जा रहा था कि यहाँ पर चूंकि राजा भैया का प्रभाव है तो अक्षय प्रताप सिंह ही जीतेंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही है। अक्षय प्रताप सिंह ने जीत दर्ज की है। राजा भैया की पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं, सपा प्रत्याशी को हराकर जीत दर्ज की है। तो कुल मिलाकर अभी तक 3 सीट ऐसी रही जहां भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज नहीं की, बाकी तमाम सीटों पर बीजेपी का कमल खिलता हुआ नजर आया है। प्रतापगढ़ में राजा भैया की पार्टी के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है, आजमगढ़ में निर्दलीय प्रत्याशी जीते, और वाराणसी में भी निर्दलीय प्रत्याशी ने ही जीत दर्ज की है। तो ये 3 सीटें कुल मिलाकर अभी तक सामने आ रही हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का कमल नहीं खिल सका है। प्रतापगढ़ में जनसत्ता दल के अक्षय प्रताप सिंह ने जीत दर्ज की है। अवधेश, बिल्कुल, तो राजा भैया की पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं। और यहाँ पर राजा भैया को बयान भी याद आता है, जब अखिलेश यादव ने पहचानने से इनकार किया था, कुंडी लगाने की अपील की थी कुंडा में, तब उन्होंने कहा था कि अभी किसी की ये क्षमता नहीं है कि कुंडा में कुंडी लगा सके। फिर चाहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, वहां पर राजा भैया की पार्टी ने कमाल किया प्रतापगढ़ में, उसके बाद विधानसभा में कमाल हुआ, और अब MLC चुनाव में भी प्रतापगढ़ में लोकतांत्रिक जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के प्रत्याशी जीत गए हैं। प्रतापगढ़ में राजा भैया की पार्टी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज कर ली है। अक्षय प्रताप सिंह चुनाव जीत गए हैं, तो उन्होंने उम्मीदवार बनाया था और राजा भैया की पार्टी के उम्मीदवार अक्षय प्रताप सिंह ने कमाल किया है, सपा प्रत्याशी को हराकर उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अक्षय प्रताप सिंह चुनाव जीत गए हैं और सपा उम्मीदवार को उन्होंने शिकस्त दी है। बिल्कुल, लगातार हर एक बड़ी खबर पर हम आपको तमाम जानकारी दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि कहां से क्या खबर निकलकर सामने आ रही है। वाराणसी की अगर बात करें तो यहां से बीजेपी की सुदामा पटेल तीसरे नंबर पर रहे और अन्नपूर्णा सिंह निर्दलीय प्रत्याशी जीती हैं। सीधा हम नीतीश का रुख करेंगे, मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद है, उनके साथ मौजूद है सुदामा पटेल, बीजेपी के हारे हुए प्रत्याशी। नीतीश, निश्चित तौर पर हार, और हार भी कहे तो कोड़ में खाज का काम, तीसरे नंबर पर क्या कारण रहा सुदामा जी, क्या कारण आप मानते हैं अपनी हार का, और हार में भी तीसरे नंबर पर? कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है फील्ड में है ही नहीं, कहीं दिखा भी नहीं, फिर भी दूसरे नंबर। इसमें तो रोड सड़क पे दिखाई दे रहा है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कितने कार्यकर्ता, लोगो लगा के ब्लॉक प्रमुख और सभासद कितने लोग रिसीव कर रहे हैं, अन्नपूर्णा सिंह जी की जुलूस में शामिल है, यही हार का कारण है विशेष तौर पर। मतलब जो आरोप आप पहले से लगा रहे थे वही आरोप आपके अभी भी हैं, आपको हराने के पीछे कौन? 10 कार्यकर्ता केवल चाहिए गिनती कराने के लिए, तीनों जिले के वोट के लिए, वोटों की। उस 10 कार्यकर्ता में 5 कार्यकर्ता हमारे हैं जो अन्नपूर्णा सिंह की गिनती करा, तो इसका मतलब है कि पूरे जिले में जितने बूथ हैं उसमें हमारे 70% कार्यकर्ता हमारे उनके लिए काम। यानी आज काउंटिंग में भी बीजेपी कार्यकर्ता लगे रहे?
बीजेपी कार्यकर्ता लगे रहे कि नहीं लगे रहे ये भी आप सीधा देख सकते हैं कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि सारे कार्यकर्ता भी उन्हीं के साथ और आज भी तो कहां कहां कार्यकर्ता दिख रहे हैं। अब आप भी देख सकते हैं, हमें बोलने की जरूरत नहीं, चूंकि प्रत्याशी के रहने वाले हैं, आप वाराणसी के सारे नेताओं को जानते हैं, कार्यकर्ताओं को जानते हैं, आरओ टेबल पे कौन बैठा है, किसके किस प्रत्याशी के लिए बैठा है, तो दिख जाएगा आपको सामने, इसमें हमें शिकायत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मीडिया नीतीश, एक सवाल मेरा आपके जरिए है सुदामा जी से, ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, आखिर अनुशासन में रहने वाली पार्टी में इतनी बड़ी बगावत कैसे हो गई कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किसी और का समर्थन कर दिया? मैं उस सिद्धांत पे हूँ कि भाजपा जब दो सीट, दो लोकसभा में दो सीट पे थी तो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े थे और उनके लिए लड़ रहे थे, मैं उसी सिद्धांत पे लड़ रहा हूँ और चुनाव में हार जीत अलग विषय है। सवाल है कि ऐसी कौन सी दिक्कत थी जिसमें प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में प्रत्याशी आप बीजेपी के, और तब भी जो आपका आरोप है, जो पहले भी था और आज भी है, कि उनके साथ लोग खड़े थे, कौन सी बगावत है और इस बगावत के पीछे की वजह क्या है, हम ये जानना चाहते हैं। अब इसका वजह क्या है ये तो हम नहीं जानते, क्योंकि जो वजह है उसका हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसी तरह से यदि फर्क उन लोगों पर भी नहीं पड़ता तो वजह का कोई असर नहीं पड़ता। सुदामा जी, आपके जो पहले जो बयान थे उसमें साफ तौर पर आपने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ लोग आपको हराना चाहते हैं, आपको हराने के पीछे क्या वही लोग हैं, या फिर जो दूसरा मेरा सवाल है कि उसके बाद आपने कहा कि पार्टी में सक्रियता आई, क्या वो सक्रियता काम नहीं आई और अब आपका अगला निर्णय क्या होगा, क्या करेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी वो करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं ईमानदारी से चुनाव लड़ा, मैं बिका नहीं, मैं डिगा। ऑफर था क्या? बिका नहीं, आप लगातार ये बात उठाते रहे, बिका नहीं, तो क्या मतलब कोई ऑफर था क्या बिकने का? हमारे साथ ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी जुड़े हुए हैं, वो भी कुछ सवाल करना चाहते हैं। जी वीरेश, आप पूछना चाहते हैं कुछ सुदामा पटेल से? देखिए, सुदामा पटेल से मेरा सवाल है कि सुदामा पटेल, क्या इसकी शिकायत, इस हार की शिकायत, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि 70% भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आपको हराया है, आप प्रधानमंत्री से करेंगे, नरेंद्र मोदी जी से करेंगे? क्योंकि उनकी निगाह बनारस पर है, बनारस की एक एक विकास परियोजनाओं पर है, कार्यकर्ताओं पर है, सबको चिन्हित करके सारे नाम आप प्रधानमंत्री मोदी के पास भेजेंगे जिन्होंने आपको हराया है। क्या आप जो कार्यकर्ता जिनको हराने के लिए आप कहीं आपने कहीं चिन्हित किया है, या फिर जो बातें आप कह रहे हैं, इन सारे मामलों की शिकायत प्रधानमंत्री को करेंगे आप? इन सारे मामलों से अवगत कराएंगे आप प्रधानमंत्री को? क्योंकि बनारस की हर एक गतिविधि पर, हर चुनाव पर प्रधानमंत्री की सीधे नजर है। हमारा काम था, पार्टी की तरफ से हम प्रत्याशी बने थे, हम अपने इच्छा से पार्टी के से टिकट मांगे थे, चुनाव हम ईमानदारी से लड़ने की बात कहे थे और चुनाव ईमानदारी से लड़े। निर्णय बीडीसी प्रधान भाइयों का है, बीडीसी प्रधान भाई किस कारण से उनको मतदान किए हैं और पिछले 6 साल से उनका बीडीसी प्रधान द्वारा जो एमएलसी चुने गए हैं रेगुलर जेल में हैं, उनकी एक व्यवस्था बनी हुई है, उनके मुकदमे कम होते जा रहे हैं, ऐसा एक उनकी व्यवस्था है, उसी व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ये चुनाव। मेरा है वो जवाब आप टाल गए, क्या आप इस पूरे मामले को लेकर प्रधानमंत्री को कोई पत्र लिखेंगे, उनसे कोई शिकायत करेंगे? बड़ी सभी बातें साथ में दिया सुदामा जी, लेकिन एक सवाल और हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे पूछना चाहते हैं। वीरेश जी, अपना सवाल, कोई बात नहीं आती है इसलिए कि साफ साफ पार्टी के सारे बड़े नेताओं को। सुदामा पटेल से मेरा एक सवाल है नीतीश, सुदामा पटेल से एक सवाल है कि बृजेश सिंह, जी हाँ, बृजेश सिंह के धनबल से हारे या बाहुबल से हारे, साफ साफ स्पष्ट शब्दों में बताएं, गोलमोल जवाब न दें, क्योंकि काशी की जनता जो है वो सुनना चाहती है, जानना चाहती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जानना चाहते हैं, क्या बृजेश सिंह के बाहुबल से, बृजेश सिंह के धनबल से सुदामा पटेल की हार हुई है?
एक सवाल और सीधा सवाल, दो लाइन में जवाब चाहेंगे। बृजेश सिंह के धनबल से हारे हैं या बृजेश सिंह के बाहुबल से हारे? धनबल बाहुबल दोनों से हारे हैं, इसलिए कि उनका वही एक वजह है चुनाव जीतने का। सुधाकर पटेल ने साफ और स्पष्ट कह दिया है कि वो बृजेश सिंह के धनबल और बाहुबल से हार गए। शुक्रिया नीतीश आपका जानकारी के अपडेट्स के लिए। बिल्कुल, लगातार तमाम बड़ी खबरें सिर्फ और सिर्फ एबीपी गंगा पर। सबसे तेज सबसे सटीक प्रतापगढ़ का नतीजा, लोकतांत्रिक जनसत्ता दल पार्टी के प्रत्याशी अक्षय प्रताप सिंह यहां से जीत गए हैं। राजा भैया की पार्टी के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है, यानी एक बार फिर से राजा भैया का जो प्रभाव है वो प्रतापगढ़ में देखने को मिला है। सपा प्रत्याशी हार गए हैं और जनसत्ता दल प्रत्याशी अक्षय प्रताप सिंह यहां से जीते। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी जुड़ गए हैं प्रतापगढ़ से। विवेक, जिस तरीके की उम्मीद जताई जा रही थी या जिस तरीके का टकराव त्रिस्तरीय पंचायत से चल रहा, राजा भैया लगातार जीत रहे हैं, अपने प्रत्याशियों को जितवा रहे हैं, एक बार फिर से उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि किसी की कहीं चले, लेकिन प्रतापगढ़ में केवल राजा भैया। बिल्कुल अवधेश, प्रतापगढ़ यानी राजा भैया, रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया। प्रतापगढ़ में राजा भैया की पॉलिटिक्स है, जो राजनीति की धुरी है प्रतापगढ़ की वो राजा भैया के इर्द गिर्द घूमती है। वो एक तरह से शक्तिपुंज है, शक्ति केंद्र है। अक्षय प्रताप सिंह मौजूद हैं और उनके जो समर्थक हैं यहाँ पर बाहर इकट्ठा हैं, उनके जो एजेंट थे, पोलिंग एजेंट, वो सब बाहर आ चुके हैं। 1690 वोट उनको मिले हैं, 2815 वोट थे जिसमें से 2794 वोट पड़े थे, लेकिन 1690 वोट पाकर अक्षय प्रताप सिंह पहले नंबर पर रहे हैं। आप लोग एजेंट हैं, बताइए कितना मिला? कुल 1721 वोट माननीय अक्षय प्रताप जी को मिला हुआ है, और हरिप्रताप जो भाजपा के उम्मीदवार थे उनको 594 वोट मिले हैं, और जो सपा के उम्मीदवार थे उनको 380 वोट मिले। अगर त्रिकोणीय संघर्ष था तो इसको माने कि मतलब भाजपा और सपा सेकंड और थर्ड के लिए लड़ रहे हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, एक तरफा था चुनाव, पहले से डिक्लेयर था, केवल वो लड़ रहे थे चुनाव, बस केवल लड़ने के लिए। बाकी निर्दलीय की क्या स्थिति रही? 3 निर्दलीय भी थे वो, कोई मतलब नहीं, वो वैसे ही दाखिल किए गए थे, निर्दलीय नहीं थे वो, कोई मतलब नहीं, तो वो केवल सपोर्टिव दाखिल किए गए थे। ये अक्षय प्रताप सिंह की तरफ से जी, एक भाजपा की तरफ से, दो हमारे तरफ से थे। तो निर्दलीय देखिए दो अपने थे। यहाँ पर परिणाम घोषित हो चुका है, 1721 वोट। यानी जब मैं अंदर गया था, जब जिलाधिकारी यहाँ पर उनसे बात हुई मेरी, उस समय उन्होंने बताया था कुछ वोट इधर उधर थे, चूंकि प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है। जो प्रेफरेंशियल वोटिंग यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 6 कैंडिडेट हैं तो 1 नंबर से 6 नंबर तक प्रेफरेंस दिया जाता है कि किसको, और प्रेफरेंशियल वोटिंग की काउंटिंग का तरीका सबसे जटिल होता है। हालांकि यहाँ पर जो मतगणना हुई है यहाँ पर सबसे देर में शुरू हुई, करीब 10:30 बजे के बाद यहाँ मतगणना शुरू हुई थी, जब सारी जगह का लगभग परिणाम आ चुका था तब मतगणना शुरू हुई थी। और अब यहाँ पर तो बिल्कुल बिल्कुल प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और योगी जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में लहर चल रही है भारतीय जनता पार्टी, और ये बहुत बड़े मार्जिन से, और अभी तक जितनी भी जीतें हुई हैं MLC के चुनाव में सबसे ज़्यादा जीत होगी, क्योंकि लोगों का पूरी तरीके से प्रदेश भाजपामय है, लोगों का अटूट विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर और माननीय योगी जी के ऊपर। उस विश्वास की ये परिणति है वोट, और आप देखिएगा लोकसभा के इलेक्शन में 400 सीटों से कम नहीं आएंगे। सर एक सवाल और है, विधानसभा में बहुमत तो था, अब विधान परिषद में बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है, कितनी आसानी होगी काम करने में? बहुमत तो हो ही गया निश्चित रूप से, बहुत बड़े मार्जिन बहुमत से हम पहुंचेंगे विधान परिषद में। ये जनता की आवाज़ है, जनता के दिल की आवाज़ है, ये ओठों की नहीं है खाली, ये दिल की आवाज़ है। और आप देखे रहिए पूरा देश भाजपा में होगा। आज हमारा प्रदेश 18 प्रांतों में हमारी सरकार है, और पूरे जब लोकसभा का चुनाव होगा तो आप देखिएगा सबका सुपड़ा साफ हो जाएगा। 400 सीटों का आपने दावा, 400 सीटों से कम नहीं आएंगी। आखिरी सवाल, दिल्ली दौरे पे आए हैं, क्या कुछ रहेगा आपका खास? हमारा हमें कई लोगों से मिलना है, 2-3 मीटिंगें हैं उसी संबंध में। आए बिल्कुल अविनाश, तो सुरेश खन्ना ने बातचीत की वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भाजपा काम कर रही है उसमें बहुमत मिलना ही था और बड़ा बहुमत मिल रहा है, और ये पूरी तस्वीर है, तो यानी कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक खुशी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए लगातार अब जो नतीजे हैं वो सामने आने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशखबरी तकरीबन हर सीट से मिल रही है, यानी कि कमल खिल रहा है। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ लगातार मौजूद है।
वीरेश, ये जो नतीजे सामने आए हैं, उम्मीद इन्हीं की जा रही थी कि सत्ता दल जिस जो होता है उसी के पक्ष में नतीजे आते हैं, और ऐसे ही नतीजे सामने आ रहे हैं। बहुमत हासिल कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी विधान परिषद। देखिए, इतिहास इस बात का गवाह है कि जो सत्ता में रहता है ये परिषद के चुनाव उसके हक में जाते हैं। आरोप प्रशासन पर लगता है हमेशा से कि प्रशासन ने जिता दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मोदी शाह की भारतीय जनता पार्टी, जिस तरीके से पराक्रम के साथ और मेहनत के साथ, परिश्रम के साथ काम करती है जमीन पर, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं अपने राजनीतिक मित्रों से भी कहता हूँ बार बार कि आप कांग्रेस के दफ्तर में चले जाओ, आप समाजवादी पार्टी के दफ्तर में चले जाओ, आप बसपा का दफ्तर तो देख ही नहीं पाओगे। और बाकी जगहों का दफ्तर है भी कि नहीं है, इसका वजूद भी है कि नहीं है, आपको पता नहीं चल पाएगा। लेकिन एक दिन भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में अगर भेष बदल कर चले जाओगे, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के, बसपाई और तमाम दूसरी पार्टियों के लोग, तो पता चल जाएगा कि किस तरीके से प्रचंड पराक्रम के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं, 12-12 घंटे, 365 दिन, 24 घंटे काम करते हैं। तो केवल ये कह देने मात्र से इसे हल्का नहीं किया जाना चाहिए कि इस बार के परिषद के चुनाव में जिसकी सत्ता होती है उसी की विजय होती है। अगर सत्ता से विजय होती बिल्कुल तो कभी सरकार करते हैं। और इस वक्त ऊर्जा मंत्री AK शर्मा कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। बधाई और शुभकामना देता हूँ। BJP का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, किस तरीके से इसको देखते हैं? हमारे पार्टी के नेतृत्व का और कार्यकर्ताओं का योगदान है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का योगदान है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जीत मिल रही है। धन्यवाद। प्रधानमंत्री से भी आपकी मुलाकात हुई है, ये ऊर्जा मंत्री AK शर्मा हैं जिन्होंने कहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की लगातार जीत हो रही है वो कार्यकर्ताओं की जीत है, और कार्यकर्ताओं के प्रभाव की वजह से ही BJP अब लगातार जीत रही है। तो देखिए, अविनाश तिवारी ने बात की AK शर्मा से, ऊर्जा मंत्री, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री काम करते हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम करती है, उसमें बहुमत मिलना तय था और इसी वजह से बहुमत मिल रही है, और उसी का जिक्र ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे कर भी रहे थे। प्राची, बिल्कुल वीरेश का एक बार फिर से हम रुक कर लेंगे। वीरेश, आप बता रहे थे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनावी मोड में रहती है और लगातार जमीन पर उतर कर काम करती है, जो कि नतीजों में रिफ्लेक्ट होता है। देखिए, अवधेश भी हैं, मैं भी हूं, आप भी हैं, बिना ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट किए तो कोई पत्रकारिता कर नहीं रहा है। हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, कोई एक महीने की पढ़ाई करता है, कोई केवल देखता रहता है नोट कि किसी दूसरे का मिल जाए उसको छाप दें, कोई नकल के जुगाड़ में रहता है, कोई जिस दिन पेपर रहता है उस दिन पढ़ाई करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, ऐसा विद्यार्थी है भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, जो 365 दिन और 24 घंटे पढ़ाई करते हैं, और इनसे मुकाबला करना, ये बदली हुई भारतीय जनता पार्टी है। जैसे एक नारा है, नई हवा है, नई सपा है, तो वो मौजू है या नहीं, लेकिन नई भाजपा है, नई हवा है, ये तो ज़रूर ज़मीन पर दिखती है। और नहीं, जिसको एहसास है वो चले जाए सुनील बंसल के दफ्तर को देख ले, चले जाए स्वतंत्र देव सिंह के दफ्तर को देख ले, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर को देख ले, कार्यालयों को देख ले, जिला कार्यालयों को देख ले, संगठन मंत्री को देख ले, प्रदेश उपाध्यक्ष को देख ले, प्रदेश महामंत्री को देख ले। अब सुनिए, प्रदेश महामंत्री संगठन गोविंद शुक्ला MLC की जीत के बाद यहाँ अंदर बैठे हुए हैं। आप सोचिए कि वो अंदर बैठे हुए हैं, वो प्रदेश के महामंत्री हैं, लेकिन एक MLC की जीत पर उनकी ड्यूटी लगा दी गई। तो भारतीय जनता पार्टी का जो चैनल है, जो काम करने का उसकी जो ताकत है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी से मौजूदा समय में जमीन पर मुकाबला करने में पसीने छूट जाएंगे। जी हाँ, पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर जमीन का कार्यकर्ता तक पसीना बहाता है, और जो पसीना बहाता है उसको कोई पीछे नहीं कर सकता। ये पराक्रमी भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल वीरेश जी, एक सवाल मेरा भी है, और आरोप लगा देना, क्या विधानसभा चुनाव आरोप लगा तरीके से परिणाम आए, अखिलेश यादव ने कहा कि हमें भाजपा को कम करना आ गया है, सबक ले नहीं पाए क्या कि इतनी बुरी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है MLC चुनाव में भी? देखिए, सबक तो लिया अखिलेश यादव ने, क्योंकि चुनाव के बाद उम्मीद थी कि अखिलेश यादव अपने घर में बैठ जाएंगे, लेकिन अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की। लेकिन आप देखिए ना कि जिस दिन रिजल्ट निकला 10 मार्च को, उसके अगले दिन प्रधानमंत्री और अमित शाह कहाँ थे?
म्यूनिसिपल चुनाव के लिए गुजरात के अहमदाबाद में थे। अगले दिन कहाँ थे? कहीं रोड शो कर रहे थे। भैया ये 365 दिन काम करते हैं, ये जुमला नहीं है, ये जुमला नहीं है उदेश। आप भी स्टूडियो से निकलिए, निकलते तो आप है ही हैं, निकलिए और भारतीय जनता पार्टी के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग के केंद्रीय कार्यालय पर जाइए। मैं तो यहाँ रोज जाता हूँ, मेरे साथी अनुभव शुक्ला, शैलेश अरोड़ा, विवेक त्रिपाठी भी जाते हैं, सभी कार्यालयों पे जाता हूँ। बिल्कुल दर्शक बिल्कुल निवेश, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में रहती है, कार्यकर्ता मेहनत करता है और वही नतीजों में रिफ्लेक्ट भी हो रहे हैं। अवधेश अब बताते हैं कि कौन सी सीट पर कहां पर कौन सा प्रत्याशी जीता है और कौन सी पार्टी ने यहां पर जीत का परचम लहराया है। बिल्कुल, तो देखिए देवरिया कुशीनगर रत्नपाल सिंह जीते, भाजपा से 4255 वोट मिले इनको और सपा से डॉक्टर कफील खान 1031 यानी कि लगभग 3000 वोटों से देवरिया कुशीनगर में सपा हारी और भाजपा जीती है 3000 वोटों से ज्यादा। बिल्कुल, देखिए अब बाकी सीटों की भी बात कर लेते हैं। देवरिया कुशीनगर में तो भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल गया, गोरखपुर महाराजगंज में भी भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया। सीपी चंद जीते, 4839 वोट मिले, 407 वोट समाजवादी पार्टी के रजनीश यादव को मिले, यानी बहुत बड़ा मार्जिन दोनों के बीच में रहा। रजनीश यादव को हार का सामना करना पड़ा, भारतीय जनता पार्टी के सीपी चंद एमएलसी चुने गए। बिल्कुल, तो देखिए गोरखपुर महाराजगंज की तस्वीर, अब जौनपुर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। जौनपुर से भाजपा के ब्रजेश सिंह प्रिंसु जीते हैं, 3129 वोट मिले, वहीं सपा के मनोज यादव हारे हैं, उन्हें केवल 772 वोट मिल पाए, यानी कि लगभग 2200 वोटों से समाजवादी पार्टी को ब्रजेश सिंह प्रिंसु ने यहां पर हराया है। जौनपुर में भाजपा जीती। बिल्कुल, जौनपुर के बाद अब आइए बात कर लेते हैं आजमगढ़ की, क्योंकि इस पर सभी की निगाहें थी और यहां पर हुआ कुछ ऐसा ही कि भारतीय जनता पार्टी का कमल नहीं खिल पाया, अपने ही बागी से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट अरुण कांत यादव को 1262 वोट उन्हें कुल मिले और निर्दलीय प्रत्याशी विक्रांत सिंह प्रिंसु को 4075 वोट मिले। बिल्कुल, तो ये आजमगढ़ मऊ की तस्वीर। अब इटावा फरुखाबाद की बात करें तो प्रांशुदत्त द्विवेदी जीते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, 4139 वोट मिले, वहीं सपा के हरीश यादव को केवल 657 वोट ही मिल सके, यानी कि भाजपा यहां पर लगभग 3500 वोटों से जीती। बिल्कुल, इसके बाद आइए बात कर लेते हैं लखनऊ उन्नाव सीट की। सुनील साजन यहां पर अखिलेश यादव के बेहद करीबी हार गए, 400 वोट कुल पाए और भारतीय जनता पार्टी के रामचंद्र प्रधान यहां से जीते, 3339 वोट मिले भारतीय जनता पार्टी के रामचंद्र प्रधान को। बिल्कुल, और अब बात कर लेते हैं कानपुर फतेहपुर सीट की कि यहां पर क्या स्थिति है। देखिए भाजपा के अविनाश चौहान जीत गए हैं, 4619 वोट मिले, वहीं सपा के दिलीप यादव केवल 299 पर ही सिमट गए, यानी कि बहुत बड़ी हार, 4300 वोटों का अंतर रहा लगभग इनके हारने का। तो ये तस्वीर है कानपुर फतेहपुर की जहां पर भाजपा को जीत मिली। बिल्कुल, तो देखिए लगातार भारतीय जनता पार्टी ने जीत का परचम लहराया है। अभी तक अगर बात करें तो तीन ऐसी सीटें रही जहां भारतीय जनता पार्टी अपना कमल नहीं खिला पाई। देवरिया कुशीनगर के नतीजे एक बार फिर से बता देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के रतनपाल सिंह यहां पर जीते, 4255 वोट मिले, समाजवादी पार्टी के डॉक्टर कफील खान हार गए, 1031 वोट मिले। बिल्कुल, और बात कर लेते हैं बाराबंकी की जहां पर भाजपा के अंगद कुमार सिंह जीत गए, 2272 वोट मिले, वहीं समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं राजेश कुमार यादव, 527 वोट ही उनको मिल पाए और यहां पर भाजपा की जीत हो गई। आइए बात कर लेते हैं गोरखपुर महाराजगंज सीट की। सीपी चंद बीजेपी के प्रत्याशी, 4839 वोट उनको मिले, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रजनीश यादव यहां पर पूरी तरह से हारे हैं, 407 वोट कुल समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को मिले। बिल्कुल, और गोरखपुर महाराजगंज के बाद अब बात करते हैं जौनपुर की, यहां पर भाजपा के ब्रजेश सिंह प्रिंसु जीते हैं, 3139 वोट, वहीं समाजवादी पार्टी के मनोज यादव को 772 वोट मिले और वो चुनाव हार गए, यहां पर भी भाजपा का कमल खिल गया।